आगे बढ़ते हुए नवम कक्षा में प्रश्न निर्माण विधि में जिस तरह मैं बोला कि मैंने कहा संख्यावाची में कति उपयोग होता है, जैसे वर्ग नवम के लिए मार्गे चत्वारः बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, मार्ग में चार लड़के गेंद से खेलते हैं। अगर चत्वारह अंडरलाइन है यहां पर, संख्या है चार, तो जहां भी संख्या होगा वहां एक ही आंसर होगा कति। कति अव्यय है, अव्यय वह शब्दांश है जो किसी भी लिंग में, वचन में, विभक्ति में वह परिवर्तित नहीं होता है। नो व्यय इति अव्यय, जो घटता बढ़ता नहीं है। अगर मार्गे अंडरलाइन है, मार्ग पर, या तो हम किम शब्द रूप से देखेंगे तो कस्मिन बना देंगे, ये हो जाएगा। किम का सप्तमी कस्मिन, मार्ग का सप्तमी एक वचन मार्गे, किम का सप्तमी एक वचन मार्ग कस्मिन। अगर कस्मिन याद नहीं रहे तो कुत्र अव्यय लगा देंगे, ये प्रश्न मान ये भी बन जाएगा। कुत्र कहां, कुत्र अव्यय है, बालका है अगर अंडरलाइन हो तो बालका, बालको बालका, कह कौ के, कंदुकेन अगर अंडरलाइन है तो केन, कुत्र कति के केन क्रीडन्ति। नंबर नेक्स्ट बढ़ते हुए वृक्षात सहसा पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से अचानक पत्र गिरते हैं। अगर मान लो कि हम वृक्षात अंडरलाइन कर दिए, अगर वृक्षात अंडरलाइन कर दिए तो बालक का पंचमी बालकात, वृक्ष पुल्लिंग है ये जानते ही हो, तो किम का पंचमी कस्मात। अगर वृक्षात अंडरलाइन है तो आंसर हो जाएगा कस्मात। अगर सहसा अंडरलाइन है, अचानक, यह सहसा व्यय है, सदैव यह स्वतंत्र रहता है, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगता है, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी विभक्ति में यह परिवर्तित नहीं होता है, तो सहसा है तो कथम कैसे। अगर पत्राणी है, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो किम के कानी, कस्मात, कथम, कहानी, इस तरह हम इसे बना सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हुए तुम्हारे बुक का वृतम, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृतम यत्नेन संरक्षित, यत्नेन अंडरलाइन है, तुम्हारे श्लोक में है, वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वित्तम याति च, याति च अक्षीण वृत्तस्तु क्षीणो वृत्तस्तु हतो होता। तो वृत्तम यत्नेन, अपने आचरण को यत्न पूर्वक बचा के रखना चाहिए, तो केन, किससे, या कथम भी लिख सकते हैं। अगर वृत्तम अंडरलाइन है तो किम, नपुंसकलिंग है। उसके आगे अगर बढ़े नंबर फोर, ग्रामात बही पिप्पल वृक्ष आसीत, ग्रामात, अगर मान लो ग्रामात अंडरलाइन है यहां पर तो किम का पंचमी कस्मात, ग्राम का पंचमी ग्रामात, तो कस्मात दे देंगे। अगर पिप्पल वृक्ष अंडरलाइन है तो कह, प्रथमा एक वचन है और पांचवा राजा निर्धनेभ्यः धनम ददाति,
राजा गरीबों को धन देता है, यहां राजा अंडरलाइन है तो क्या कर देंगे, राजा राजन का प्रथमा एक वचन राजा, निर्धनेभ्या तो किम का चतुर्थी बहुवचन केभ्या, धनम तो किम। इस प्रकार हम नवम कक्षा में प्रश्न निर्माण करेंगे, इसी प्रकार हम टेन में भी करते हैं, लेकिन प्रश्न निर्माण करने का प्रारूप यही होता है।